नमस्ते गाइस, बहुत दिन से पोस्ट नहीं कर रहा हूँ और मैं आई प्रॉमिस आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर। फिर ये सब बात अब छोड़ते हैं। सी द थिंग इज आई नो अ पर्सन कॉल्ड नेम्ड विभूति झा। वो एक मधुबनी पेंटर है एंड इस लॉकडाउन के टाइम वो सी आई विल टेल यू वॉट ही यूज टू डू। वो मधुबनी बिहार में रहते हैं। वो मधुबनी बिहार में अपने पेंटिंग्स को ड्रॉ करते थे। वहाँ से जब भी कैलकटा में कोई मेला लगता था या फेयर लगता था वहाँ के, ही यूज टू कम हियर एंड यूज टू सेल हिज पेंटिंग्स। बट देन अभी इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी फेयर्स नहीं लग रहे हैं, कोई मेला कुछ भी नहीं लग रहा है। तो इस पिछले 5-6 महीना में वो अपने एक भी पेंटिंग को बेच नहीं पाए हैं। एंड आई थिंक फॉर दिस वी शुड स्टैंड अप। आई मीन बाबा का ढाबा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सी आई नो देयर वॉज सॉर्ट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व देयर विद दैट यूट्यूब चैनल। आई वुड नॉट टॉक अबाउट दैट। द थिंग इज दिस गाय रियली नीड्स आर हेल्प। पिछले 5-6 महीने में उन्होंने वो अपने एक पेंटिंग तक नहीं बेच पाए हैं गाइज। और मतलब जिनके थ्रू मुझे पता चला है इनके बारे में, ही टोल्ड मी दैट ही हैज़ बीन बाइंग हिज पेंटिंग्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ एंड द गाई हार्डली हैज़ एनी मनी टू बाई फूड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। सो आई थिंक वी शुड रियली हेल्प हिम एंड आई एक्सपेक्ट सपोर्ट फ्रॉम ऑल यू गाइज, नॉट फ्रॉम मी बट फॉर हिम, फॉर विभूति झा भैया। एंड आई गॉट टू नो दिस फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइंड। She is pursuing writing and her professor told her about this. So the guy is named Vibhuti Jha. 60 paintings he has with him right now which are complete, but then in 60 mein se he has brought only 25 to Calcutta. We are just hoping ki at least wo 25 agar hum log sab milke nikal sake, nikalwa sake unke, to unke liye bahut zyada bahut badi help ho jayegi, unke liye bahut badi madad ho jayegi. To I think we should come together and what help him out. So I'll just add the clip here and वो जितने भी पेमेंट डिटेल्स वगैरह है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जितने पेमेंट डिटेल्स है उनके नाम और उनके, मैं एक ड्राइव लिंक बना दे रहा हूँ, उसमें उनका पेंटिंग्स हैं कुछ और उसमें रेट्स भी लिखे होंगे। वो ड्राइव का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो इफ यू गाइज वॉन्ट टू जस्ट चेकआउट हिज पेंटिंग्स एंड वो पेंटिंग अगर आपको लगे कि हाँ आपको लेना चाहिए और वो बहुत अच्छे हैं तो आप वो लेना। आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ कम अप एंड हेल्प हिम। इफ़ यू गाइज हैव बीन और एनी वन ऑफ योर फैमिली और anyone from your kith or kin have been, you know what, buying Madhubani paintings for a long time, please share this video with them and ask them to help him out. I'll just start the clip here. Thank you. तो ये विभूति झा भैया हैं, ये मधुबनी बिहार से आए हैं कलकत्ता। ये मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं। तो ये हर साल फेयर में आके बेचते थे बट इस साल तो कोई फेयर हुआ नहीं, तो उस वजह से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम चाह रहे हैं कि इनका पेंटिंग लोगों तक पहुंचे और जिन्हें पसंद आए वो खरीदे। तो भैया आप कुछ बताइए अपने पेंटिंग्स के बारे में। ये मधुबनी पेंटिंग है, जितना भी पेंटिंग देख रहे हैं सब फ्री हैंड से बनता है, मैंने फ्री हैंड से बनता है और ये सब पेंटिंग का कुछ ना कुछ मीनिंग है। जिस तरह से मान लीजिए ये पेंटिंग देख रहे हैं, ये आप ट्री ऑफ लाइफ है, ट्री ऑफ लाइफ ये कल वृक्ष हुआ, ये इस पेंटिंग का मीनिंग है जो आप राइजिंग की ओर मतलब अग्रसर की ओर। ये जो पीकॉक देख रहे हैं, पीकॉक होता है भारत का पक्षी है, माने राष्ट्रीय पक्षी है पिकॉक माने मयूर, और पिकॉक शांति का प्रतीक है। और जिस तरह से आप फिर आप देख लीजिए, ये है राधा कृष्ण, ये प्रेम प्रसंग की चीज है, ये राधा और कृष्ण। सब पेंटिंग का कुछ ना कुछ मीनिंग है मैडम, जितना भी पेंटिंग देख रहे हैं वो अलग अलग मीनिंग से बना हुआ है। सब पेंटिंग अगली पेंटिंग देख लीजिए, ये सरस्वती जी है। इनका मीनिंग है सरस्वती, तो आप समझ रहे हैं गॉड ऑफ माइंड। समझ सब पेंटिंग का कुछ ना कुछ मीनिंग है, जितना भी पेंटिंग देख रहे हैं। ये पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग एक ऐसा पेंटिंग है जिसमें रंग कलर भी जितना भी होता है सब फूल पत्ती का कलर होता है, नेचुरल कलर होता है, प्लस सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है। हम लोग के यहाँ शादी विवाह में गोबर, आप लोग देख सकते, देखिए कितने बारीकी से बनाया गया है पेंटिंग को। और ये इनको बनाने में 10 दिन, हाँ 10 दिन, सब हाँ 10 दिन मैंने काम के ऊपर में 10 दिन मिनिमम, 10 दिन मैक्सिमम लगता है, मैक्सिमम 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन भी लगता है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप इनके सब पेंटिंग्स देखें और अगर आपको पसंद आए तो हमें प्लीज बोले, तो फिर हम आपको बताएंगे और आप ये फिर उनसे खरीद सकते हैं।